नमस्कार मित्रों, आज हम बीए भाग द्वितीय के सेकंड पेपर भारत में सामाजिक समस्याओं की चर्चा कर रहे हैं। और भारत में सामाजिक समस्याओं में हमने अपराध टॉपिक के ऊपर अपनी परिचर्चा के दौरान आपसे अपराध की परिभाषा, विशेषता आदि के बाद में हमने अपराधियों के वर्गीकरण में सदरलैंड की हम चर्चा कर रहे हैं। सदरलैंड ने अपराधियों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अवधारणा दी, श्वेत वस्त्र अपराध, व्हाइट कॉलर क्राइम। व्हाइट कॉलर क्राइम या श्वेत वस्त्र अपराध वह अपराध है जिसे व्यक्ति अपने पद की आड़ में करता है। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा इस श्वेत वस्त्र अपराध की क्या क्या विशेषताएं है। सदरलैंड ने इसकी पहली विशेषता का उल्लेख करते हुए बताया है कि श्वेत वस्त्र अपराध समाज के उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। दूसरा, इस प्रकार का अपराध अपराधी अपने व्यवसाय के दौरान ही कानून को भंग करके करता है। नेक्स्ट, इस प्रकार के अपराधी चूंकि सामर्थ्यवान होते हैं अतः कानून तोड़ने पर भी इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पे कोई आंच नहीं आती, पूरे समाज में ऊंचा सिर करके ही चलते हैं। चौथा, इस प्रकार के अपराधी अपने ऊंचे पद के कारण अपने हित के कानून बनवाने के लिए संसद सदस्यों एवं कानून निर्माताओं पर दबाव डालते हैं और ऐसे कानूनों के पारित होने का विरोध करते हैं जो इनके हितों के प्रतिकूल हो। नेक्स्ट, श्वेत वस्त्र अपराधी इस प्रकार का दिखावा करते हैं कि उन्हें समाज सेवा एवं समाज कल्याण में विशेष रुचि है। इसके लिए वे सार्वजनिक संस्थाओं से अपना संपर्क रखते हैं, उन्हें चंदा देते हैं जिससे कि ये संस्थाएं उनका गुणगान करें और उनके विरुद्ध प्रचार नहीं करें। नेक्स्ट, श्वेत वस्त्र अपराधी अपने धन व पद के कारण न्यायाधीशों को अपने पक्ष में कर लेते हैं, उनसे संपर्क रखते हैं, उन्हें भेंट देते रहते हैं ताकि अवसर आने पर उनसे अपने पक्ष में निर्णय करा सकें। नेक्स्ट, श्वेत वस्त्र अपराधियों पर कोई भी कानूनी कार्यवाही इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उनके विरुद्ध कोई संगठित कदम नहीं उठाए जाते तथा उनके द्वारा पहुंचाई गई हानि कई भागों में बटी होती है। नेक्स्ट, श्वेत वस्त्र अपराधी या अपराध आर्थिक प्रकृति के होते हैं जिनका उद्देश्य अधिकाधिक लाभ कमाना और भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट, श्वेत वस्त्र अपराध विश्वासघात पर आधारित है। सदरलैंड कहते हैं कि श्वेत वस्त्र अपराध विश्वास के उल्लंघन पर आधारित है। उदाहरण के लिए, साहूकार लोग अनपढ़ व्यक्तियों को कम पैसा देकर अधिक पे हस्ताक्षर करा लेते हैं। अनपढ़ गरीब एवं किसान लोगों के विश्वास का साहूकार नाजायज फायदा उठाते हैं। अगला, श्वेत वस्त्र अपराध कानून को लागू करने में भेदभाव पर आधारित है। देश में कानून सभी के लिए समान रूप से बने होने पर भी धनी प्रतिष्ठित अधिकारियों से संपर्क रखने वाले व्यक्ति कानून का उल्लंघन करने पे भी साफ साफ बच जाते हैं। और लास्ट, इस प्रकार के अपराध मुख्यतः चिकित्सकों, कानून वेताओं, शिक्षा अधिकारियों, व्यापारियों, संसद सदस्यों, राजनेताओं, इंजीनियरों एवं उद्योगपति आदि के द्वारा किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे लोम्ब्रोसो का वर्गीकरण। लोम्ब्रोसो ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्गीकरण दिया था कि उन्होंने बताया कि अपराधी जन्मजात होते हैं, यानी उन्होंने कहा कि अपराधियों के कुछ ऐसे शारीरिक लक्षण हैं
कुछ ऐसे उनकी शारीरिक ढांचा है कि जिसको देख के ही हम कह सकते हैं कि ये अमुक सामाजिक इकाई अपराधी है। लोम्ब्रोसो ने चार प्रकार का वर्गीकरण बताया है। पहला है जन्मजात अपराधी, बॉर्न क्रिमिनल। ऐसे अपराधी में जन्म से ही कुछ शारीरिक लक्षण ऐसे होते हैं जिनके आधार पर उन्हें पहचाना जा सकता है। लोम्ब्रोसो ने 15 विभिन्न शारीरिक लक्षणों का उल्लेख किया है और कहा है कि यदि इनमें से 5 लक्षण किसी व्यक्ति में पाए जाते हैं तो वह अवश्य ही अपराध करेगा। उनकी मान्यता थी कि अपराधी विशेषताएं व्यक्ति को वंशानुक्रमण से प्राप्त होती है। दूसरा उन्होंने प्रकार बताया पागल अपराधी। इस श्रेणी में वे अपराधी आते हैं जो मानसिक रूप से किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं। उनका मानसिक दुर्बलता ही उन्हें अपराध के लिए प्रेरित करती है। तीसरा है आवेग युक्त अपराधी। इस श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो शीघ्र ही आवेग के वशीभूत हो जाते हैं, जिनमें मामूली बात पर मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है तथा जो शीघ्र ही घातक हमला तक कर बैठते हैं। ऐसे व्यक्ति यौन तृप्ति की लालसा के कारण भी अपराध करते हैं। नेक्स्ट आकस्मिक अपराधी। इस श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो शारीरिक व मानसिक दोषों से ग्रसित नहीं होते वरन परिस्थितिवश ही अपराध करते हैं। इन अपराधियों को लोम्ब्रोसो ने 3 भागों में बांटा है। पहला है अर्ध या नकली अपराधी। ऐसे अपराधी खतरनाक नहीं होते वरन ये आत्मसम्मान की रक्षा के लिए या अनपेक्षित परिस्थितियों के कारण ही अपराध करते हैं। दूसरा है आदतन अपराधी। ये व्यक्ति जन्मजात अपराधी तो नहीं होते किंतु प्रतिकूल वातावरण के कारण अपराध करते हैं। और तीसरा है अपराधीसम। इस श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो जन्मजात अपराधी और ईमानदार व्यक्ति के बीच के होते हैं। परीक्षण करने पर ऐसे व्यक्ति आत्मशक्त पाए गए। इसी प्रकार से हेज ने भी अपराधियों का वर्गीकरण किया और उन्होंने 4 प्रकार के अपराधी बताए। पहला प्रथम अपराधी जो पहली बार अपराध करता है। दूसरा आकस्मिक अपराधी जो कभी कभी परिस्थितियों के दबाव में आके अपराध करता है। तीसरा आदतन अपराधी जो आदत के वशीभूत होकर अपराध करते हैं चाहे उन्हें लाभ हो या नहीं। और चौथे हैं पेशेवर अपराधी जो आजीविका के साधन के रूप में अपराध करते हैं और अपराध ही जिनका व्यवसाय बन जाता है। वे या तो अपने लिए या किसी संगठन के लिए अपराध करते हैं। एक गिरोह के रूप में अपराध करने वाले पेशेवर अपराधियों की संख्या वर्तमान में बढ़ती जा रही है। अब मित्रों कल हम चर्चा करेंगे अपराध के सिद्धांतों के, थ्योरीज ऑफ क्राइम की चर्चा करेंगे, जहां हम आपको अलग अलग जो विद्वानों ने अपराध के जो सिद्धांत दिए हैं कि अपराधी जन्मजात होते हैं, अपराधी समाज के द्वारा निर्मित होते हैं, हमारा जो सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है वो अपराधियों को निर्मित करता है आदि आदि, मैं आपको इसके सिद्धांत बताऊंगा। पुनः आपसे यही मेरा विशेष आग्रह कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये PDF नोट्स जो मैं आपको भेज रहा हूँ, ये जो वीडियोज़ आपको मिल रहे हैं, इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें,
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और अपनी जिज्ञासा समस्या आप पूछें, नोट्स बनाएं। स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात।